नमस्कार, धर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज बात होगी ओम की। कहने और सुनने में ये एक साधारण सा शब्द मात्र लगता है, पर इस शब्द में पूरी सृष्टि समाई है। कहते हैं कि ओम अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है। तो चलिए आज धर्म में आपको बताते हैं ओम की महिमा के बारे में, और बताते हैं कि कैसे ओम का उच्चारण आपकी सभी समस्याएं दूर कर सकता है। सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा, सृष्टि के पालनहार हैं विष्णु, सृष्टि के संहारक हैं महेश। ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं, और त्रिदेवों का संयुक्त रूप है ओम। पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है ओम की ध्वनि। संसार की सबसे पवित्र ध्वनि है ओम। ओम में है साक्षात ईश्वर की शक्ति। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ओम शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम की ध्वनि बिना किसी संयोग या टकराव के पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। इसलिए इसके उच्चारण से आपके इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये ध्वनि इंसान की सुनने की क्षमता से बहुत ऊपर है, लेकिन जो लोग ध्यान की गहराइयों में उतरना जानते हैं वो इस चमत्कारी ध्वनि को सुन सकते हैं। चलिए हम आपको इस परम पवित्र और शक्तिशाली ओम की महिमा समझाते हैं। तीन अक्षरों आ, उ और म से मिलकर बना है ओम। ईश्वर के तीन स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप है ओम। ओम में ही सृजन, पालन और संहार तीनों शामिल हैं। इसलिए ओम को स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है। ओम के सही प्रयोग से जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। ओम के सही उच्चारण और जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। कहते हैं कि ओम के साथ जुड़ते ही मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन इस ईश्वरीय शब्द के उच्चारण के भी कुछ नियम और सावधानियां हैं। अगर आप ओम के उच्चारण का पूरा लाभ पाना चाहते हैं तो देखिए ओम का सही उच्चारण कैसे करना है। ओम का उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय करें। ओम का पूरा लाभ पाने के लिए उच्चारण की सही तकनीक सीखें। ओम का उच्चारण करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखें। ओम का उच्चारण पूरा करने के बाद 10 मिनट तक जल का स्पर्श न करें। नियमित रूप से ओम के उच्चारण से दैवीयता का अनुभव होता है। अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है ओम। ओम के उच्चारण में ही आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान है। ओम के प्रयोग से कैसे संवरेगी आपकी सेहत, चलिए आपको बताते हैं। तो अच्छी सेहत के लिए दाहिने हाथ में तुलसी की एक पत्ती लेकर ओम का 108 बार जाप करें, फिर पत्ती को पीने के पानी में डाल दें और यही पानी पिएं। इस प्रयोग के दौरान तामसिक आहार से बचें। कई बार माता पिता की चिंता होती है उनके बच्चों की पढ़ाई, तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ओम के उच्चारण से बच्चों का मन एकाग्र होता है। इसलिए शिक्षा में सुधार के लिए एक पीले कागज पर लाल रंग से ओम लिखें। ओम के चारों ओर एक लाल रंग का गोला बना दें। इस कागज को अपने पढ़ने वाली जगह के सामने लगाएं। ओम के उच्चारण में कितनी शक्ति है ये आपने देखा। ओम के उच्चारण के माध्यम से आप अपने घर के वास्तु को भी ठीक कर सकते हैं। कैसे, वो हम आपको आगे बताएंगे। ओम के उच्चारण से आपकी और भी कई बड़ी समस्याओं का निवारण हो सकता है। तो क्या हैं वो समस्याएं और कैसे होगा ओम के उच्चारण से उनका उपचार, ये सब आपको बताएंगे। पहले आपको बताते हैं आपकी राशि का हाल। मेष, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, संतान की परेशानी दूर होगी,
शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 70। वृषभ, नया काम ना करें, यात्रा करने से बचें, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 75। मिथुन, दिन भर दौड़ भाग बनी रहेगी, वाद विवाद से बचाव करें, नया काम ना करें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 55। कर, सर्दी जुकाम से बचाव करें, पैसे का लाभ होगा, नौकरी में बदलाव हो सकता है। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 79। सिंह, संतान से सुख मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 71। कन्या, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, बड़ा आर्थिक लाभ होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 82। तुला, घर पर मेहमान आएंगे, दिन भर दौड़ भाग पड़ी रहेगी, पैसे के नुकसान से बचें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। वृश्चिक, करियर में बदलाव होगा, पैसे का लाभ होने का योग है, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 79। डूबा हुआ पैसा मिलेगा, शादी तय हो सकती है, आंखों की परेशानी से बचें। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 77। मकर, पारिवारिक परेशानी दूर होगी, सेहत में सुधार होगा, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 69। कुंभ, सेहत का ध्यान रखें, पैसे की हानि से बचाव करें, दही खाकर घर से निकलें। शुभ रंग नीला, प्रतिशत 61। मीन, वाहन का सुख मिलेगा, संतान की सेहत का ध्यान रखें, उपहार और सम्मान का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 68। और फिलहाल रुक रहे हैं एक बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और बताएंगे ओम का उच्चारण कैसे बनेगा आपकी समस्याओं का निवारण। वास्तु दोष और धन की कमी से अगर आप परेशान हैं तो घबराइए मत,
क्योंकि ओम का सही उच्चारण आपकी इन समस्याओं को दूर कर देगा। कैसे, आइए बताते हैं आपको। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र, बिना उपाय वास्तु दोष दूर करने का मंत्र, ओम के उच्चारण से बरसेगा धन, ओम के प्रभाव से संवरेगा जीवन। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ईश्वरीय शक्तियों वाले ओम के उच्चारण से आपके घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर हो सकता है। अगर वास्तु दोष की वजह से आपके जीवन में सब कुछ खराब हो रहा है तो करें ओम का ये प्रयोग। वास्तु दोष मिटाने के लिए घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। मुख्य द्वार के ऊपर ओम लिखें। ओम का ये प्रयोग मंगलवार की दोपहर को करें। अगर आपको भी धन की समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो ओम के इस अद्भुत प्रयोग से आपकी तिजोरी एक बार फिर भरने लगेगी। कैसे, आप खुद जानिए। तो धनवान होने के लिए एक सफेद कागज के टुकड़े पर हल्दी से ओम लिखें। इस कागज को पूजा के स्थान पर रखकर अगरबत्ती दिखाएं, फिर कागज को मोड़कर अपने पर्स में रख लें। परमपिता परमेश्वर से जोड़ती है ओम के ध्वनि। जिन्हें ईश्वर प्राप्ति की चाह हो उन्हें ओम का उच्चारण करते रहना चाहिए, क्योंकि ओम के उच्चारण में असंभव को भी संभव करने की शक्ति है।